Welcome to Yogic and Modern Science. Today we will talk about the intelligence and knowledge. What is the difference between intelligence and knowledge? Now many people, mostly students, they mistake knowledge for the intelligence. They think the more they memorize things, the more intelligent they should be called, or they are called. But to my mind, the knowledge has nothing to do with intelligence. We also see the natural intelligence, which is intrinsic in the nature. All over the nature, everything seems to be perfect. So to my mind, this is the natural intelligence. Now we'll be talking about the issue of intelligence from the yogic point of view. So from the yogic point of view, say intelligence kya hoti hai, aur jo nature mein, puri prakriti mein, puri brahmand mein jo hum ek samanjasya dekhte hain, ek order dekhte hain, pura jo brahmand hai, jo sari cheeze existence hai, wo ek order mein hai, theek hai. To ye mujhe aisa lagta hai ki ek natural intelligence hai andar, theek hai. To ye natural intelligence kya hoti hai, aur bachchon ke liye ye samjhaiye ki memory ya knowledge और इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है? हाँ, तो इसमें जो योगिक साइंस के आधार पर अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिससे ऐसी जगह से शुरू करें जहां उसका मूल बेस है, कि जब हम कोई ऐसी चीज सामने देखते हैं कि ये मेरे सामने चीज है, तो सामने होने से दो पॉइंट तय होते हैं उसमें, कि एक सामने चीज है और एक मैं उसे उसके सामने हूं, तो आमने सामने दोनों है, तुलनात्मक चीज है, इसलिए हम उसे जानने की और पहचानने की उसके प्रयास करते हैं. यहां जो ये बात बच्चे समझ रहे हैं, तो यहां ये उनकी समझ है, मगर अब हम मूल की जो बात करें, तो जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा में जो चेतन प्रक्रिया है, उसके दो पॉइंट है. एक पॉइंट में वो सिकुड़ कर आती है, दूसरे पॉइंट में वो फूल की चिपकती है. तो वो दो पॉइंट होने के कारण उसके सामने दो चीजें हैं. ये प्योर चेतन है, वहां पे शुद्ध चेतन है. यहां पर किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि वहां शुद्ध चेतन में कोई किसी तरीके का कोई पारदर्शी या ऐसा दिखाई ना देने वाली चीज हो. वहां स्पष्ट है ये चीज कि ये इसके दो पॉइंट व्यू में ये चेतन प्रक्रिया चेत रही है. तो अगर हम ये इसको हम ब्रह्मांड इस प्राकृतिक में और इस ब्रह्मांड में इसे हम इसी के मुताबिक इसे देखें, तो यहां पर हमें ये समझ में आता है कि जब हम शुद्ध चेतन होकर के और एक दूसरे समक्ष जो चीज है हम उसे जब देखते हैं, तो हमें अपने आप स्वतः में ये चीज दिखाई देती है कि इसकी क्या चीज है, ये कर क्या रही है, इसका कार्य क्या है, इसका गुण क्या है. ये सब हमें अपने आप समझ आता है. समझाने वाला दूसरी स्थिति में वहां पर कोई नहीं है, फिर भी ये बात वहां पर हमें समझ में आती है. ये एक ऐसी चेतन की कार्यशैली है कि वो अपना कार्यशैली उसको समझा देता है जो दूसरा पॉइंट ना समझ अपने को पेश कर रहा है, मगर है वो समझदार, मगर वो अभी इस वक्त जानने की प्रक्रिया में, इसलिए वो ना समझ होकर के पेश है. इसलिए उसे हर चीज ऑटोमेटिक समझा देती चेतन प्रक्रिया, जो शुद्ध चेतन है. मगर जब हम इसी चीज इससे हम थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं और इस दृश्य सामने वाले दृश्य को हम प्राकृतिक का दृश्य तय कर लेते हैं कि ये तो प्राकृतिक है, तो जब हम प्राकृतिक हमसे अलग है, हाँ प्राकृतिक हमसे जातीयतन से अब हम आ चुके हैं, तो हम प्राकृतिक या ब्रह्मांड की उसके वस्तु आकार उसे देख करके समझ लेते हैं कि ये चीज है, तब हम उस चेतन प्रक्रिया से बहुत दूर हो जाते हैं. और दूर होने में हम उस सामने वाली वस्तु पदार्थ को उसे अब हम अपने माइंड से, दिमाग से उसे तय करते हैं कि बुद्धि से, विचार से, संकल्प से. ये जब तक बुद्धि
या दिमाग नहीं था, नहीं था। हाँ, जब तक तो वो जैसी चीजें थी वैसे दिखाई पड़ रही थी, समझ में भी आ रही, समझ में भी आ रही। जैसे ही हम सोचने लगे, ठीक है, प्राकृतिक सामने हमने मान लिया, मैंने कुछ और मान लिया, अब मान लिया, ठीक है, और फिर अपने हिसाब से मैं उसको इंटरप्रेट करने लगा। हाँ, तो करने लगे तो अब आप चेतन से दूर हो गए और अब आप प्राकृतिक में आ गए। अब जो आपके सामने वस्तु पदार्थ हो आकार है, अब आप उसको प्राकृतिक की नजरिए से जब देखने लगे, विचार बुद्धि संकल्प से आप उसे निर्णय लेने लगे, तो अब निर्णय जो आपके आएंगे, तो उन निर्णय में अगर कोई चीज एक से और अलग हट करके वो अपने रास्ता से किसी तरीके की वहां पर ऐसी ऐसा आदेश है, ऐसा नियमित है, ऐसा नियम से जो नियमित है उसने वो अगर दुर्घटना कोई दिखा रहा है या घटना दिखा रहा है या वो वहां पे ये खत्म हो रही है या टूट फूट हो रही है, वहां पर अब आपको ये चीज सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये मेरी वस्तु यहाँ पे टूट गई और मुझे अब रोना है, मुझे अब रोना है, क्योंकि वो स्थिति जो पहले शुद्ध चेतन में थी, वो शुद्ध चेतन में ये चीज थी कि भाई यहां ये चीज चली और यहां पे ये टूटेगी, अब यहां पे ये मरेगी, यहां इसको गोली लगेगी, यहां ये, तो वहां ये बिल्कुल अपने को था कि ये चीज सेट है, ये बिल्कुल नियमित है, इसी तरीके की है, तो उसे उसी तरीके से उसे स्वीकार कर रहा था। अब आप उस तरीके से प्राकृतिक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अब प्राकृतिक में स्वीकार कर रहा है वो टूटती हुई, खून निकलती हुई, चोट लगती हुई, वो चीज देख करके अपने बुद्धि लगा रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने आपको इन्वॉल्व किया है, अब आप हाँ इन्वॉल्व कर दिया, चॉइसलेस नहीं है, चॉइस कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं चीजों को, सेलेक्ट कर रहे हो, आपने सेलेक्ट कर दी उसके अंदर प्राकृतिक में चीजें, तो ये चीजें जब आप देख रहे हैं तो अब आप उनसे प्रभावित हो गए, तो प्रभावित हो गए तो फिर आंसू भी निकलेंगे। अब ये प्रकृति का सिस्टम है। अब सिस्टम यहां अगर बच्चों के लिए एक संदेश हम देना ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ने कोई चीज कहीं से किसी दूसरे के ज्ञान से रट लिया है और अपने दिमाग में कोई चीज रट ली है और रखने के बाद में उसका उसने जवाब दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत समझदार हो गया है और बहुत ज्ञानवान हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान एक ऐसी स्थिति है कि जो कभी हम अपने अंदर अंतर मन में या अंतर में झांक के देखेंगे तो बहुत चीजों के मुझे रास्ते दिखाई देते हैं और रास्ते दिखाई देते हैं और उन रास्तों के ऊपर अगर हम चल पड़े तो हमें सामने वाली स्थिति, वस्तु पदार्थ स्थिति, हमें उसका गुण सिखा देती है और जब वह गुण सिखा देती है तो हम गुणवान हो जाते हैं, और जब गुण सिखा देती है सामने वाली, हमने नहीं सीखे, बिल्कुल सामने वाली, सामने वाली वस्तु ने, जब हम उसके आधार पे चलने लगे, किसके आधार पे, हमारे अंतर मन में जो चीज सही दिखाई देती है, हमने वो रास्ता जब पकड़ लिया तो हम सामने वाली वस्तु पदार्थ आकार मुझे उसका अपना गुण सिखा देती है, हम गुणवान हो जाते हैं। तो जब हम गुणवान हो जाते हैं तो ये एक विचारधारा है, ये आपके रटे हुए या दूसरे शब्दों से जवाब दिए हुए से को महान नहीं, ये महान है जो गुणवान है। गुणवान व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, अपने एक रास्ते होते हैं, अपना एक सिद्धांत होता है, मगर रटने वाले व्यक्ति के दूसरे के ज्ञान को अपने सिर पे टोकरा रख करके घूमना और फिर उस ज्ञान को बांटना ये या उसको बता देना, ये बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं है, ये आपका कभी कभी आपका साथ भी नहीं दे सकता है, मगर गुणवान और सिद्धांत आपके जीवन भर साथ रहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी जरूर चमकेगा। और जो गुणवान है और जो सामने वाले चीजों की महत्व देता है, अपने को महत्व नहीं देकर सामने वाले वस्तु पदार्थ आकार को महत्व देता है, वो गुणवान है। ये ऐसा बच्चों को जो हमने संदेश दिया है, बच्चों को इस पर विचार करना होगा और ये बच्चों जो है इस पर विचार करके ये आपको ये बताएंगे बच्चे जो हमने संदेश दिया, और इसके बारे में थोड़ा बच्चों को आप भी थोड़ा समझाएं ताकि वो इंग्लिश से अंग्रेजी में समझा दें इंग्लिश में, तो वो उनको समझ में भी आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। ओके, सो टू सम अप, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेमोराइजेशन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। Intelligence does not depend upon how much memory you have, right? So intelligence, as Sharma ji has said, intelligence is the measure of
how clean you are, right? Now, how clean in the sense, if you accept the things as they are, then things will be visible as they are. You can sense the things, or you can sense the whole existence as it exists without your intervention, right? The moment you bring your mind to, or in order to understand the things, it gets distorted, right? You get the unreal image of the things in front of you, okay? So without bringing in your mind, without bringing in your knowledge, without bringing in whatever you have learned till now, if you can see the things as they are, then this is real intelligence. So intelligence is the measure of how clean you are inside, not the measure of how much memory you have piled up inside you. Okay, thank you.